खरगोन जिले में पिता की मौत का बदला लेने के लिए उसके दो बेटों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसका उपचार शासकीय अस्पताल में चल रहा है। दरअसल सनावर क्षेत्र के ग्राम आली बुजुर्ग में शादी का कार्ड देने जा रहे दो युवक अमर और विनोद नामक दोनों भाइयों ने देसी कट्टे से अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें दोनों को कंधे की चोट लगी। अब पुलिस ने विनोद और अमर को अभिरक्षा में ले लिया। आपको बता दें कि अमर विनोद दोनों सगे भाई हैं, जिनके पिता सुखराम वर्मा को धर्मेंद्र और उसके सहयोगियों ने मामूली विवाद पर मौत के घाट उतार दिया था। वही धर्मेंद्र जेल में बंद था और 8 माह पूर्व पेरोल पर जेल से छूटकर आया था। विनोद और अमर ने भी अपने पिता की हत्या का बदला लेने की ठानी है और धर्मेंद्र पर गोली चलाई है। धर्मेंद्र के साथ बाइक पर बैठे गोवर्धन को भी गोली लगी है, जिसकी सिविल अस्पताल सनावत में प्राथमिक उपचार करके खरगोन रेफर किया गया। वहीं मौके पर पहुंचे टीआई ने मामला पंजीबद्ध कर जांच में ले लिया है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। आली बुजुर्ग से आ रहा है, घटना कहाँ की है? गांव की आली बुजुर्ग। कितना बार थी गली? विनोद अमर लोग साथ में कट्टा लेके आए थे। अच्छा, चलो जीजी चलेगी। तुम जानते हो उनका कौन है? हाँ। कौन है, नाम बताओ ना। विनोद वर्मा और अमर वर्मा तो साथ में आए थे। विनोद वर्मा और अमर वर्मा, तुम्हारी क्या रंजिश है उनसे? मामा उनकी पुरानी रंजिश थी। अच्छा, जो उनको मारने आए थे तो मैंने उनको रोका रोका प्लीज जाओ तुम लोग को मार दे। क्या नाम तुम्हारा? गोवर्धन वर्मा नाम है मेरा। मैं आली बुजुर्ग में ही रहते हो? आली बुजुर्ग में रहते थे। विनोद और अमर दोनों भाइयों ने मेरे भांजे और मेरे भाई को गोली मार दी। क्या नाम है भांजे? भांजे का नाम गोवर्धन वर्मा है और धर्मेंद्र रूपचंद है। दोनों को गोली मारी है दोनों भाइयों ने। पुरानी रंजिश हमारी चल रही है। हमारे मेरे घर कार्यक्रम था, मेरे कार्यक्रम खराब करने के कारण ही इन लोगों ने ये कदम उठाया है। ये अभी की है 9 बजे। तो गोली कौन से, एक राइफल से थी कि पिस्टल से थी? तो दोनों के कंधों पे लगाई है? कंधे पे लगी गोली। मेरे भांजे ने बीच बचाव करा, उसको भी गोली लग गई। पहले क्या रंजिश थी? पुरानी रंजिश थी, इनके पिताजी शांत हो गए थे, घर में कट्टर माता बच्ची हो गई थी, तो गिर गया था वो। टूट गया था हमारे ऊपर 300 रुपये की कमी। ये कितना समय हो गया था इसका? हो गया 10 साल हो गया। उसके बाद अब इन्होंने उसका ये बदला लेने के लिए उन लोगों ने मेरे भाई पे गोली चलाई। आरोपी कौन कौन लोग हैं उसमें? आरोपी हम 6 आदमी हैं। नहीं नहीं, आज की घटना के विनोद और अमर दोनों भाई आरोपी। ये भी आपके रिश्तेदारी है? ये रिश्तेदार है, मैं जीजा के भाई के लड़के, पापा जी के लड़के। ठीक है सर, ये जो लोग घायल आए हुए हैं, क्या मामला है? ये अभी आपसी रंजिश का बता रहे, फायर आर्म इंजुरी का है मामला, जिसमें शायद गोली बताना है। एक को दाएं कंधे पर है और एक को बाएं कंधे पर चोट आई है। फायर आर्म वेपन से एक सिंगल बुलेट चली शायद। सर गोली अंदर ही है निकल गई? नहीं, अभी एक्सरे करवाते, एक्सरे करवाने के बाद ही पता चलेगा क्या है, अंदर है बाहर है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।